अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। आज एक कहानी आपके लिए, झूठ या स्नेह। नानी, मैं एक कुल्फी और ले लूं प्लीज, चीकू ने फ्रिज खोलते हुए पूछा। चीकू तुम खा चुके हो ना, गलत बात है, वो कुल्फी नानी की है, हटो यहां से। मैंने अपने 6 साल के बेटे को आंखें तरेरी, लेकिन तब तक चीकू की नानी कुल्फी उसके हवाले कर चुकी थी। क्या माँ, मैं खास आपके लिए तिवारी की कुल्फी लाई थी, ये तो खा चुका था ना। अरे बेटा, जब से घुटनों में दर्द बढ़ा है ना, डॉक्टर ने कुछ भी ठंडा खाने से मना कर दिया है। मैंने सिर पकड़ लिया। माँ की वही पुरानी बीमारी झूठ बोलने की, बचपन में हमेशा यही हुआ। बस माँ जान जाए कि क्या हमें अच्छा लगा, तो अपने हिस्से का भी देने के लिए ये बीमारी उन्हें घेर लेती थी। उस चीज में इतनी कमियां निकाल देती थी कि उनके काम की ही नहीं है वो चीज, फिर तो सामने वाला लेना ही है उसे। माँ, मटर पनीर और है क्या? बहुत अच्छी बनी है। हाँ, मेरी कटोरी में से ले लो, मुझसे तो खाई ही नहीं जा रही, मिर्च बहुत है। एक बार पापा कितने मन से गुलाबी कढ़ाई वाला शॉल लेकर के आए थे, बड़ी बुआ को भा गया और माँ का फिर वही नाटक। अरे रख लो जीजी, मुझे तो बड़ा खराब रंग लगता है ये। इसके बाद 2 दिनों तक मैंने माँ से बात नहीं की थी। पापा ने समझाया, बेटा तुम्हारी माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, ऐसी ही है वो। चीकू की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं, 1-2 दिन में वापस जाना होगा। मन अजीब सा हो रहा था। शाम को कुछ साड़ियां खरीदी, जिनमें एक हरी बंधेज साड़ी माँ को बहुत पसंद आई, बार बार उलट पलट कर देखती रही। माँ ये आप रख लीजिए, मैं ले लूंगी। अरे नहीं रे, ये हरा रंग ना बाबा, बहुत चटक है। सुबह मुझे निकलना था, सारी पैकिंग हो चुकी थी, मैं बहुत परेशान थी। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही हो तब से? कुछ नहीं माँ, वो रसीद नहीं मिल रही है, बिना बिल के वो साड़ी वापस नहीं होगी ना, मैंने पर्स खंगालते हुए कहा। लेकिन वापस क्यों करनी है, तुम तो सारी साड़ियां अपने पसंद सिलाई थी। हाँ माँ, लेकिन चीकू के पापा को हरी वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई, फोटो भेजी थी, बड़बड़ा रहे थे, बोले तुरंत वापस करो, लेकिन बिना बिल के। वापस ही करनी है तो मैं रख लेती हूँ। माँ साड़ी लेकर अंदर चली गई, देखा दरवाजे पर पापा खड़े मुस्कुरा रहे थे, मेरी चोरी पकड़ी गई थी। लग गई माँ की बीमारी तुम्हें भी, पापा ने सिर पर हाथ फेरा, सदा खुश रहो। मैं भी सोच रही थी कि माँ को उनके पसंद की चीज देने के लिए उन्हीं का तरीका अपनाना पड़ा, और वो कारगर भी हुआ। आज ये भी समझ में आया कि माँ ऐसा क्यों करती थी, जब कोई अपना अपनी चीज लेता है तो सुकून भी ऐसा मिलता है, जैसे वो चीज हम ही इस्तेमाल कर रहे हों, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब मुझे इंतजार था कि वो साड़ी माँ को पहने हुए देखने का। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।